हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दूरबीन के ऑपरेशन के बारे में। दूरबीन का ऑपरेशन बताओ सबसे अच्छा क्यों होता है, क्योंकि बार बार हमसे लोग यही सवाल पूछते हैं कि मैडम आप बार बार एक दूरबीन के ऑपरेशन की ही बात करती हैं, आप तो ओपन ऑपरेशन या हाथ वाले ऑपरेशन के बारे में बात ही नहीं करना चाहती, तो ऐसा क्यों है। तो मैं एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ, एक ही जवाब देती हूँ सबको कि एक बात बताइए कि वो डायल वाला फ़ोन अच्छा था या आज का स्मार्टफोन अच्छा है, कौन सा वाला आप चूज़ करेंगे। मेरे हिसाब से सारे के सारे लोग बोलेंगे नहीं, हमें तो स्मार्टफोन चाहिए जिसमें टच स्क्रीन है, जिसमें इंटरनेट चलता है, इसमें गूगल चलता है, इसमें फेसबुक चलता है। तो फिर आप जब डायल वाला फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो डायल वाले फोन के समय की सर्जरी की टेक्निक क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि आपके पेट पर इतना लंबा चेहरा लगा दिया जाए, उस पर ऐसे टांके लगा दिए जाए, आपको 3 महीने के लिए बिस्तर पर डाल दिया जाए और 7 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी की जाए, फिर आपको बहुत सारा परहेज बताया जाए जिसमें ये बोला जाए कि आपको उठना नहीं है, बैठना नहीं है, आपको आराम करना है, आप काम नहीं कर सकते, सीढ़ी नहीं उतर चढ़ सकते, नीचे नहीं बैठ सकते और फलाना ढिकाना ये वो, मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन। तो क्या आप चाहते हैं कि आज का युवा या आज की जो जनरेशन है जो स्मार्टफोन यूज़ कर रही है या मेट्रो यूज़ कर रही है, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही है, वो क्या इस तरीके का ऑपरेशन करवाएगी। नहीं, हम नए ज़माने के डॉक्टर हैं, नई टेक्निक के साथ चलते हैं, हम दूरबीन से लेज़र से ऑपरेशन करते हैं जो कि बेस्टेस्ट टेक्निक है आज के ज़माने में। तो क्यों फिर पुराने ज़माने की बात की जाए। दूरबीन का ऑपरेशन यदि आप करवाते हैं तो डेफिनेटली आपकी बिना चीरे के सर्जरी होती है, 3 या 4 छेद बनाकर ऑपरेशन होता है और ये जो छेद बनाए जाते हैं वो आधा सेंटीमीटर यानी कि 5 मिलीमीटर का ये इंसिजन होता है, छोटा सा, जिसमें एक छेद बनाकर पूरे इंस्ट्रूमेंट, लंबे इंस्ट्रूमेंट अंदर डाले जाते हैं, बाहर की कोई भी रुई, गौस पट्टी या कोई भी धागा, किसी प्रकार की बाहर की चीज़ अंदर नहीं जाती, बाहर की तो हवा भी अंदर नहीं जाती। जो उसमें गैस डाली जाती है वो भी मेडिकेटेड, बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड होती है, कम्प्लीटली प्योर होती है, जिससे कि पेट को फुलाया जाता है और अंदर 4K 3D दूरबीन से अंदर का विजन देखा जाता है, जो इतना साफ सुथरा और इतना अच्छा होता है कि आंखों से 20 गुना बड़ा दिखता है। तो आप सोचिए कि जब हमें इतना अच्छा दिखेगा तो हम कितनी अच्छी सर्जरी करेंगे। और जो सर्जरी के लिए जो औजार यूज होते हैं वो एक से एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो लेजर से ऑपरेशन होता है, यानी कि बिल्कुल प्रिसाइज कटिंग होती है, प्रिसाइज वेसल्स की सीलिंग होती है, आसपास का टिश्यू किसी प्रकार से डैमेज नहीं होता, उससे रिकवरी इतनी फास्ट होती है कि आप 4 घंटे के अंदर आपको पानी बता दिया जाता है, लेमन वाटर आप ले सकते हैं, कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, चॉकलेट खा सकते हैं, और क्या चाहिए आपको। और 12 घंटे के बाद आपको चाय बिस्किट, दाल का पानी, सूप, दलिया, खिचड़ी सब कुछ दे दिया जाता है और विद इन 24 आवर्स यू कैन गो होम, यानी कि आप अपना चल फिर के घर जा सकते हैं, सीढ़ी उतर चढ़ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, पेट भर के खाना खा सकते हैं, वाटरप्रूफ ड्रेसिंग होने के कारण पूरा बॉडी शावर ले सकते हैं। तो इतने सारे फायदे हम आपको दे रहे हैं। और तो और आपको ऑपरेशन के दौरान ये पता तक नहीं चलता कि आपका ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है। एक इतना बढ़िया कॉम्प्लीमेंट अभी हमें मिला, हमारी पेशेंट आई हमारे पास 7 दिन के बाद, तो मुझे आके बोलती है कि मैडम मैं इतनी जोर जोर से चलने लगती हूँ जैसे ही, तो मुझे सारी लेडीज रोक लेती हैं कि बहुत धीरे चलो धीरे चलो। तो मैं उनको कहती हूँ कि मुझे याद ही नहीं है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि मुझे किसी प्रकार की तकलीफ ही नहीं हो रही है। तो ये रिजल्ट है हमारी सर्जरी के, यानी दूरबीन के। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन से वाला ऑपरेशन अच्छा है, यानी कि अब आप डायल वाला फोन इस्तेमाल नहीं करेंगी, स्मार्टफोन यूज करती हैं, यानी कि आप सर्जरी की टेक्निक भी दूरबीन वाली ही चूज करेंगी, क्योंकि आपको उसके फायदे अब समझ आ गए हैं। लेकिन यदि लगता है कि नहीं अभी कुछ चीज और हमें पूछनी है मैडम से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए, नहीं तो फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर भी आप हमसे कॉल करके हमारे हेल्थ केयर एक्सपर्ट के थ्रू मुझसे बात कर सकती हैं। और यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है, हमारा हॉस्पिटल जयपुर में है, तो जयपुर आके आप हमसे मिल भी सकती हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने को मिलेंगे, और उनके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। हर थर्सडे को हम लोग लाइव भी आते हैं, तो आप थर्सडे को 2 से 2:15 के आसपास हमसे ज्वाइन हो सकती है, वहां पे आप अपने क्वेश्चन लाइव भी हमसे पूछ सकती हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।